जनाब घड़ी में बज रहे शाम के 4 और लगी है बहुत जोरों से भूख। अब क्या है ना कि चाय बिस्किट वगैरह खा खा के मैं तो पक चुका। अब इतनी तेजी से जब भूख लगती है ना तो याद आती है सिर्फ वो एक रेसिपी। कैफेज में तो बहुत बार आप सबने खाई है, आज क्यों हम घर पे बनाते हैं? गेस्ड इट, चीज गार्लिक ब्रेड। हाउ इज इट? तो आज हम बनाएंगे चीज गार्लिक ब्रेड। और चीज गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए आपको चाहिए ब्रेड, गार्लिक भी चाहिए वैसे। सलाम नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग? मेरा नाम है वनराज, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की दुकान। चलिए शुरू करते हैं। तो गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बटर, जिसे मैंने तकरीबन 1 से 2 घंटे बाहर रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। सो वी नीड सॉफ्टन बटर। मैं यहाँ पर बहुत बारीक फाइन चॉप्ड गार्लिक ले रहा हूँ, क्योंकि अगर उसके पीसेस आपके मुंह में आएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब जो कि ये मेरा वर्जन है, मैं यहाँ पर कुछ चिलीज भी ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 हरे मिर्च को बारीक कटा काट दिया है। अब हम इन तीनों चीजों को अच्छे से मिला देंगे। सर मिक्सचर इज रेडी। अब हम 2 ब्रेड्स लेंगे। आप चाहे तो व्हाइट भी ले सकते हैं या ब्राउन भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट मैं यहाँ पर व्हाइट ले रहा हूँ। ब्रेड की एक साइड पर हम इस मिक्सचर को अच्छे से लगा देंगे, जस्ट लाइक बटर। याद रखिए, हमें सिर्फ एक साइड पर लगाना है, दूसरी साइड पर नहीं। अब वैसे तो गार्लिक ब्रेड बनाने के 2 तरीके हैं। अगर आप चाहे तो आप इसे ओवन में भी कर सकते हैं या फिर आप इसे एक नॉर्मल पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पैन में करूंगा। मेरे पास ओवन है लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पैन में शूट करूं, क्योंकि इंडिया में आज भी कई सारे ऐसे घर हैं जहां पे एक ओवन नहीं होता। तो चलिए फिर पैन को कर देते हैं थोड़ा सा गरम। अब यहां पर गार्लिक ब्रेड बनाने का एक सीक्रेट है। गार्लिक ब्रेड तो बन जाएगी, लेकिन वो जो क्रिस्पी गार्लिक ब्रेड होती है ना, वो बनाने के लिए आपको इसे बहुत ही कम गैस पर, मतलब द लोएस्ट ऑफ योर गैस, इस पे इसको आराम से सेकना होगा, ताकि इसका जो ब्रेड का जो मॉइस्चर है वो पूरा अंदर चला जाए और इसकी जो क्रिस्पनेस है वो बाहर आए। तो सबसे पहले जिस साइड पर हमने बटर लगाया था, यानी कि हमारा गार्लिक बटर, हम उस साइड को पहले पैन पे टोस्ट करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद अब हम इसे फ्लिप कर देंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, इस साइड पे हम बटर बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसे टोस्ट करना है, इट शुड फील लाइक अ टोस्ट। अगर आप बटर लगा देंगे तो वो क्रिस्पी नहीं लगेगा। सो वंस यू फ्लिप, इट्स टाइम फॉर चीज। आप चाहे तो मोज़रेला यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो शेडार यूज कर सकते हैं, या कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। मैं यहां आपको मेरे 3 वर्जन दिखा रहा हूं, एक विद शेडार चीज, दूसरा विद मोज़रेला चीज, और तीसरा विद शेडार एंड मोज़रेला चीज। कैन यू जस्ट इमेजिन How tasty that will be. Okay, coming back to the point. So, जैसे आपने चीज डाल दिया, now it's time for some oregano and chili flakes. And just like I shared the secret of crispiness, यहां पर हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे, तब तक जब तक चीज पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। Ta-da! It's done. Now let's garnish it with some coriander and serve it with cheese dip and tomato ketchup. आ गया ना मजा? अब यही मजा खा कर लो। ये रेसिपी को अभी के अभी बनाओ, खाओ और बताओ मुझे कमेंट्स में लिखकर कि कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हर 2 दिन में एक टेस्टी, डिलीशियस, इंटरेस्टिंग घर की रसोई रेसिपीज अपने YouTube चैनल पे शेयर करता रहता हूँ, so that you get notified every time I post a new video. This is me, Vanraj Gadhvi. आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की दुकान, साइनिंग ऑफ।